हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पायल गुटिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 में हुए बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने फिल्म इंडस्ट्री से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिल्मों की शूटिंग और निवेश के लिए आग्रह भी किया था। जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी, उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। वहीं अब लगता है बॉलीवुड पर मोदी की अपील का असर पड़ने लगा है, जहां एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में शुरू कर दी है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद कार्निवल सिनेमा ने घोषणा की है कि ये मल्टीप्लेक्स चेन जम्मू कश्मीर में 30 स्क्रीन्स खोलने जा रही है और इसके अलावा 5 स्क्रीन्स लद्दाख में खोली जाएंगी। बता दें कि 90 के दशक में कश्मीर में बढ़ते तनाव के चलते फिल्मों के सब्जेक्ट्स में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। बॉलीवुड इस खूबसूरत घाटी में फैले डार्क पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करने लगा। ऋतिक रोशन की फिल्म कश्मीर से लेकर फना, रोजा, सिकंदर, हैदर जैसी तमाम फिल्में ऐसी रहीं जो कश्मीर में फैली ट्रेजेडी को दिखाने की कोशिश करती नजर आईं। वैसे हाल ही के सालों में कश्मीर की वादियों में कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें राजी, जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, हैदर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मोदी की अपील पर बॉलीवुड स्टार्स कब तक पूरे तरीके से काम करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कश्मीर में थिएटर्स खोलने से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने में फायदा होगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।